तो हेलो गाइस, दिस इज मूवीज बग और कीड़े हैं हम। आज की हमारी मूवी है कुक अप स्टॉर्म, जो कि आई थी 2017 में। ये मूवी देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये कहानी है दो बावर्चियों की, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। उन दोनों के बीच में होती है एक फूड फाइट, जिसकी वजह से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो चलो शुरू करते हैं मूवी, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, गरीब का भला हो जाएगा, दो वक्त की रोटी खा लेगा, दुआओं में तुम्हें याद रखेगा, तो प्लीज घंटा दबाओ मेरा नहीं चैनल का, इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो। ये कहानी है गाँव की, जो एक बावर्ची है, उसे अपने काम से बहुत प्यार है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके हाथों से बनी डिश की तारीफ करते हैं। लेकिन फिर भी गांव को खुशी नहीं मिलती, क्योंकि बचपन में गांव के पापा ने गांव को उसके अंकल के पास छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांव में खाना बनाने का टैलेंट नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें गांव के पापा के रूप में जाने, क्योंकि वो वर्ल्ड के सबसे टॉप कुक थे। बस इसी रीजन की वजह से वो गांव को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। गांव को अपने पापा को टीवी पर देखकर बहुत बुरा लगता था, वो उनसे नफरत करता था। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही हैंडसम शेफ, जो बड़े बड़े लोगों के लिए खाना बनाया करता था, उसका नाम पॉल था। उसका सपना था कि वो अपने पापा के लिए अपने ही देश में एक रेस्टोरेंट खोले। उसी के लिए पॉल सभी ऑफर्स को मना करके अपने देश में आ जाता है। वहां मार्केट में घूमते हुए पॉल एक फिश सेलर के पास आता है और एक बड़ी मछली दिखाने के लिए कहता है, पर फिश सेलर उसे मना कर देता है। तभी गांव भी वहां आ जाता है और वो भी मछली मांगता है, जिस पर फिश सेलर एक बड़ी सी मछली गांव को दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है, वो गांव को गुस्से में देखने लगता है, जिस पर मछली वाला मछली के दो टुकड़े कर देता है ताकि दोनों में लड़ाई ना हो। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को आंखों आंखों में चैलेंज देने लगते हैं। इसके बाद हमें पॉल का शानदार रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जिसकी आज ओपनिंग है। रेस्टोरेंट को भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन भी होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पॉल का रेस्टोरेंट गांव के होटल के जस्ट सामने ही था। पॉल के रेस्टोरेंट को देखकर गांव के दोस्तों को डर लग रहा था, क्योंकि वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था और उन्हें ये डर था कि वो गांव के कस्टमर ना छीन ले। और होता भी वैसा ही है। सभी लोग पॉल के रेस्टोरेंट की चमक धमक देखकर उधर जाने लगते हैं, जिस पर गांव के दोस्त एक डिस्काउंट ऑफर स्कीम चलाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग गांव की तरफ वापस आने लगते हैं। अपने कस्टमर को जाता हुआ देखकर पॉल के लोग भड़क उठते हैं और गांव के दोस्तों से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को चैलेंज देने लगते हैं, जिसके बाद एक कंपटीशन डिसाइड होता है, जरा हम भी तो देखें कि किसके हाथों में ज्यादा स्वाद है। इसके बाद पॉल और गांव को जबरदस्ती बुलाया जाता है। वो कोई भी कंपटीशन नहीं चाहते थे, पर जब दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है तो वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है कॉम्पिटिशन। एक टेबल पर एक मछली रखी जाती है, जिसे काट कर बनाना होता है। पॉल मछली को काट कर बहुत तेजी और सफाई से मछली के कांटे निकाल कर गांव को पास कर देता है, जिसके बाद गांव भी अपने स्किल दिखाते हुए मछली के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है। और जब सबको मछली की स्किन दिखाता है तो उस पर मीट का एक कण भी नहीं होता, जिसे देखकर सभी लोग पॉल और गांव की स्किल के लिए तालियां बजाते हैं। ये कॉम्पिटिशन चेयरमैन भी देख रहे होते हैं। वो दोनों की स्किल को देख कर पॉल और गांव को कुकिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, जिस पर गांव और पॉल भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को प्रूव करना था कि दोनों में बेस्ट कौन है। अगले दिन पॉल का टीवी में इंटरव्यू आ रहा था। वो कह रहा था कि मैं फ्रांस में कुकिंग किया करता था और चाइना आने के बाद मैंने रियलाइज किया कि आज भी लोग पुराने तरीकों से ही खाना बनाते हैं। पॉल ये बात गांव के लिए कह रहा था। ये देखकर गांव को थोड़ा गुस्सा भी आता है। अगली न्यूज से सभी को पता लगता है कि कुकिंग चैंपियनशिप में सभी शेफ का आपस में कॉम्पिटिशन होगा और उसके बाद विनर को चांस मिलेगा वर्ल्ड के टॉप शेफ से मिलने का, और वो कोई और नहीं गांव के ही पापा थे। थोड़ी देर में पॉल की गर्लफ्रेंड गांव के रेस्टोरेंट में आती है और गांव की दोस्त को रेस्टोरेंट में आने के लिए इनवाइट करती है। शाम को गांव और गांव की फ्रेंड पॉल के रेस्टोरेंट जाते हैं, जिसे देखकर उनकी आंखें फट जाती है। पॉल उन्हें खाना सर्व करवाता है, जो दिखने में तो एक नॉर्मल ऑमलेट जैसा था और गमले जैसा दिख रहा था, पर गांव जब डिश टेस्ट करता है तो उसे रियलाइज होता है कि पॉल कितना अच्छा शेफ है। गांव उस गमले को उठाकर पॉल के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम खाने को स्वादिष्ट दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो। तब पॉल उसे मीट पकाने के लिए कहता है। चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। गांव बहुत अच्छे से मीट को पकाता है, जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, जिस पर पॉल उसे सेम डिश उससे भी कम समय में बनाकर दिखाता है। गांव जब उस डिश को सूंघता है तब उसे खुद के डिश और पॉल के डिश में कोई भी अंतर पता नहीं चलता और उसे समझ में आ जाता है कि पॉल की कुकिंग एडवांस है, जिसके बाद गांव गुस्से में वहां से चला जाता है। जब गांव अकेला बैठा होता है
तब उसके पापा का कॉल आता है जो गांव को मिलने के लिए इनवाइट करते हैं। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने देखकर गांव गुस्से में भरकर उनसे कहता है कि अब क्यों बुलाया मुझे, मुझे इतने साल अकेला छोड़ दिया, अब क्या चाहते हैं आप। गांव के डैड उससे कहते हैं कि मैंने जो भी किया वो जरूरी था, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें मेरे नाम से जाने, मैं चाहता था कि तुम्हारी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। जिस पर गांव कहता है कि मैं आपको कंपटीशन में हराकर वर्ल्ड मास्टर शेफ बनूंगा और वो मेरी असली पहचान होगी। ये कहकर गांव वहां से चला जाता है। अगले दिन की शुरुआत होती है कंपटीशन से। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पॉल एक स्वीट डिश बना रहा होता है और गांव एक चिकन डिश। पॉल समय से पहले ही अपनी डिश रेडी कर लेता है। गांव को थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था लेकिन फिर भी वो शानदार तरीके से अपनी डिश रेडी कर ही लेता है। जब सभी जज दोनों की डिश को टेस्ट करते हैं तो गांव और पॉल दोनों को सेम नंबर मिलते हैं। तब स्टेज पर एक जज आता है और सबको बताता है कि पॉल और गांव दोनों की डिशेस बेहतरीन थी, लेकिन पॉल ने डिश को गांव से बहुत पहले ही बना लिया था, इसीलिए पॉल कंपटीशन का विनर बन जाता है। अपनी हार से गांव बहुत दुखी हो जाता है और वहां से उदास होकर चला जाता है और सीधा गेमिंग पार्लर पहुंचकर गेम खेलने लगता है और वो घर भी नहीं जाता। अब गांव कुछ भी नहीं करता, वो दिन भर सिर्फ गेम ही खेलता था। एक दिन उसके टीचर जिन्होंने गांव को बचपन से पाला था वो गांव के पास आते हैं। वो उसे समझाते हैं कि हार और जीत जीवन का हिस्सा है, अगर तुम हारोगे नहीं तो तुम्हें कभी भी जीत की कीमत पता नहीं चलेगी। और ये कहकर वो गांव को अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं, पर गांव पहले तो मना करता है पर थोड़ा समझाने के बाद मान जाता है और घर चला जाता है। इधर पॉल अपने दोस्तों के साथ अपनी जीत सेलिब्रेट करता है और बातों ही बातों में पॉल के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को एक चांस देना चाहिए ताकि वो चैंपियनशिप में तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके। जिस पर पॉल कहता है कि वो बहुत अच्छी है, उसने मुझे सपोर्ट भी किया है, पर उसे खाना बनाना नहीं आता। जिस पर पॉल के दोस्त उसे तरह तरह की बातें करने लगते हैं और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो पॉल की गर्लफ्रेंड से मिला हुआ है। तभी पॉल की गर्लफ्रेंड वहां आती है और पॉल के सामने दो सूप के बाउल रखती है और टेस्ट करके बताने को कहती है कि दोनों में से किसमें सॉल्ट ज्यादा है। जिस पर पॉल खामोश हो जाता है क्योंकि उसे किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आता था, उसके टेस्ट बर्ड बचपन से ही खराब थे। उसे और भी बुरा इस चीज का लग रहा था कि उसी की गर्लफ्रेंड ने उसी के दोस्तों के सामने उसे धोखा दिया है। पॉल की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि उसने पॉल से कभी भी प्यार नहीं किया, वो तो सिर्फ पॉल को यूज कर रही थी ताकि वो कैसे भी कुकिंग चैंपियनशिप में जा सके। उसने पॉल की सारी रेसिपी और सीक्रेट भी चुरा लिए थे। पर पॉल को सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का उसी के दोस्त के साथ चक्कर चल रहा है और दोनों ने मिलकर पॉल का रेस्टोरेंट हड़पने की प्लानिंग की है। इस पर पॉल पूरी तरह से टूट जाता है और बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और रात में शराब पीने लगता है। तभी गांव वहां आकर पॉल को शराब पीते हुए देख लेता है। गांव पॉल के पास आकर कहता है कि तुम उदास क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इस कंपटीशन के विनर तुम हो। जिस पर पॉल कहता है कि हाँ कंपटीशन तो मैं जीत गया हूं पर मैं अपनी जिंदगी हार गया हूं, पर छोड़ो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। वो सामने के एक बैनर पर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे आइडल हैं, मैं इनकी तरह बनना चाहता हूं। जिस पर गांव मुस्कुरा देता है क्योंकि वो बैनर गांव के ही पापा का था। गांव पॉल को बताता है कि ये तुम्हारे आइडल मास्टर शेफ ये मेरे पापा हैं और ये बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, इन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। जिसे सुनकर पॉल को लगता है कि गांव मजाक कर रहा है। जिस पर गांव उसे बताता है कि उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कभी भी अच्छा शेफ नहीं बन पाऊंगा। तब पॉल को रियलाइज होता है कि गांव सच बोल रहा है। वो गांव से कहता है कि तुम उदास मत हो, जो हो चुका है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर इस बोर्ड का तो हम कुछ कर ही सकते हैं। बस ये कहकर दोनों शराब की बोतलें गांव के पापा वाले बोर्ड पर फेंकने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। उन दोनों को खुश देखकर हमें भी अंदर से बहुत खुशी फील होती है। ये पूरा सीन हमें दोस्तों के साथ की हुई मस्ती की याद दिलाता है और यहीं से गांव और पॉल की दोस्ती की शुरुआत भी हो जाती है। वो दोनों एक साथ गांव के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पॉल के दोस्त पहले से बैठे होते हैं और गांव के रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तब पॉल उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं अभी भी अपने रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और तुम मेरी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तब पॉल का दोस्त कहता है कि पहले तुम्हें चैंपियनशिप में हिस्सा लेना होगा और नेक्स्ट राउंड में तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, अब तुम बिल्कुल अकेले हो। हाँ अगर तुम चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। तब पॉल कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा पार्टनर कौन होगा। पॉल गांव की तरफ इशारा करता है। ये सुनकर पॉल के दोस्तों को बहुत बुरा लगता है।
वो पॉल को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा, जिस पर पॉल उसे अपने सर से हिट करता है और दोनों को वहां से भगा देता है। तब गांव के टीचर सामने आकर पॉल से पूछते हैं कि क्या तुम वाकई गांव के साथ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तब पॉल गांव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मुझे गांव के स्किल पर पूरा भरोसा है और ये डिजर्विंग भी है। ये सुनने के बाद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद दोनों एक साथ कुकिंग चैंपियनशिप की तैयारियों में लग जाते हैं। पॉल गांव को अपने नए नए तरीके सिखाता है और गांव भी पॉल को अपने पुराने तरीके सिखाता है। गांव पॉल से कहता है कि तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारे टेस्ट बर्ड काम नहीं करते तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हें टेस्ट फील करवाने में। और ये कहकर वो पॉल को बहुत सारी चीजें टेस्ट करवाता है। दोनों हंसते खेलते नाचते गाते कुकिंग के साथ अपना पूरा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगते हैं। दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। और फाइनली वो दिन आ जाता है, कंपटीशन का राउंड 2 शुरू होता है। पॉल और गांव दोनों बहुत अच्छे से अपनी डिश को रेडी करते हैं और वक्त से पहले ही अपने डिश को सर्व कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। जब जज दोनों के डिश को टेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी डिश मैंने आज तक नहीं खाई। और इस तरह से पॉल और गांव इस राउंड के विनर बन जाते हैं। इस चैंपियनशिप का फाइनल राउंड कुछ दिन के बाद होना था। गांव और पॉल आपस में बात कर रहे होते हैं। गांव पॉल से कहता है कि चैंपियनशिप में तुम्हें जाना चाहिए, तुम मुझसे ज्यादा अच्छे शेफ हो, मास्टर शेफ तुम्हारे आइडल है तो तुम्हें ही जाना चाहिए। जिस पर पॉल कहता है कि मैंने अपने पापा का सपना पूरा किया है, उनके ही देश में अपना रेस्टोरेंट खोलकर, तुम भी अपने पापा का सपना पूरा करो, उन्हें प्रूव करके दिखाओ कि तुम्हारी कुकिंग में कितना दम है। इसके बाद फाइनल राउंड शुरू हो जाता है, जो कि गांव और उसके पापा यानी कि मास्टर शेफ के बीच में था। मास्टर शेफ आते ही अपने डिश पर काम करने में लग जाते हैं, पर गांव अपनी ही जगह पर खड़ा रह जाता है। उसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती है, जहां कुछ बच्चे उसे परेशान किया करते थे। वो पूरी तरह से अपनी यादों में खो जाता है। तभी गांव के पापा वहां आते हैं और गांव के चेहरे पर पानी डालते हैं और कहते हैं कि अपना काम शुरू करो। अब गांव को होश आ चुका था, वो जल्द से जल्द अपनी डिश बनाने लगता है। दूसरी तरफ गांव के पापा की डिश कंप्लीट हो चुकी थी, जो दिखने में भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक जलता हुआ मैदान बनाया था, जिसमें से एक फूल निकल रहा था। जज को भी वो डिश काफी पसंद आती है। अब बारी गांव की थी, वो एक बाउल में नूडल्स बनाकर अपने पापा को प्रेजेंट करता है। मास्टर शेफ वो नूडल को टेस्ट करते हैं। उन्हें याद आता है कि ये वही नूडल्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गांव को डांटा था कि उसे नूडल बनाने भी नहीं आते। लेकिन आज गांव ने वो नूडल इतने अच्छे बनाए हैं कि मास्टर शेफ भी खुद को रोक नहीं पाते और बिना रुके ही नूडल्स को खाने लगते हैं। जब गांव वहां से जाने लगता है तब वो गांव को रोककर कहते हैं, शाबाश बेटा, जिस पर गांव एक प्यारी सी स्माइल देखकर चला जाता है और उसके पापा वहीं बैठकर अपनी नम आंखों के साथ नूडल्स खाने लगते हैं। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी मूवी कुक अप स्ट्रॉन्ग। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द मूवीज बग, क्योंकि कीड़े हैं हम।